और खून में अम्ल बढ़ता ही गया। रोज आपने एक चम्मच चीनी खाई, दो चम्मच चीनी खाई, तीन चम्मच चीनी खाई, हर दिन उसमें से अम्ल निकल रहा है और पेट का अम्ल भी उसमें जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है। फिर 10 साल का हिसाब निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल का निकालो, आपका दिमाग घूम जाए। रोज का अगर 2 चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो, वैसे तो जो 2 चम्मच से ज्यादा ही रहती है एक आदमी की जिंदगी में चीनी, दूध में भी चीनी लेते हैं, चाय में भी चीनी लेते हैं, 2 चम्मच रोज की, 2 चम्मच माने हो गई लगभग 10 ग्राम के आसपास। तो 10 ग्राम चीनी रोज की, एक साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 30 साल में कितनी, 40 साल में कितनी, हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक एक बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है 100 किलो तक। अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहां जाएगा? बेचारा आपका किडनी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सब नहीं निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा, और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करेगा। तो इसलिए चीनी और गुड़ एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं हैं, लेकिन गुड़ में क्या है, गुड़ जब आप खाएंगे, फॉस्फोरस किसी भी चीज में रहे क्षारपण ही रखता है वो उस चीज को, माने उसमें एल्केलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है। तो गुड़ कितना भी खाएंगे क्षार ही बनेगा, और वो क्षार पेट के अम्ल को बैलेंस करता रहेगा, तो पेट की अम्लता बढ़ने नहीं पाएगी, तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी। अब इसको और एक तरीके से समझाता हूं। गुड़ और चीनी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है। पूरा शरीर झुक जाता है तब चीनी जाके पचती है, और सबसे देर में पचती है। आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी, गेहूं पच जाएगा, चना पच जाएगा, मटर पच जाएगी, चीनी सबसे अंत में जाके पचेगी और उसको पचाना पड़ता है। लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सबको पचा देता है। गुड़ तो सब चीज को पचा देता है, चीनी को पचाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुड़ हर चीज को पचा देगा, खुद ताकत लगा देगा। आपने गुड़ के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड़ पचा देगा, लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है। तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीजों को तकलीफ कर देती है, तो इसलिए बेहतरीन है कि गुड़ खाइए, जिंदगी भर कफ के रोग आपको नहीं आएंगे। फिर अंत में वही सवाल, मिलता नहीं जी, ये रोना बंद कर दीजिए। दुनिया में हर चीज मिलती है, जहर भी है, अमृत भी है, आपको क्या चाहिए? और आज की दुनिया है ना, आज की दुनिया माने आज का मार्केट, माने आज की इकोनॉमिक्स, वो बायर्स इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर्स इकोनॉमिक्स है। बायर्स मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, माने जो ग्राहक मांग करेगा वही चीज बाजार में टिकेगी। ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है। तो आप मांग करना शुरू करो, जी गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे, बोलो कितना चाहिए। मैं कोल्हापुर जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात करके आता हूं, हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का। कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात। जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र हैं, बिहार बहुत बड़ा केंद्र है, गन्ना होता है, कर्नाटक में बहुत गन्ना है, महाराष्ट्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में, आपका महाराष्ट्र आपके बॉर्डर पे ही है, आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है, तमिलनाडु में भी गन्ना है, कई इलाके तमिलनाडु में गन्ने के, जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है। आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, लगे तो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना, तो वो जो 2 रुपए किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा, आप ले लो उससे। वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो, आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा, तुम इसमें ये जहर मत डालना। और वो 2 रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है। तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की, लाखों की संख्या में है, गांव गांव में है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए। आपके आपस में सब लोगों को, जितने कम से कम 500-700 लोग यहां बैठे हैं, इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है, जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं, हर चीज इस देश में मिलती है, छोटे छोटे गांव में भी उपलब्ध है। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं, जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए,
हलवा राव का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है वो भागवत जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं। तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो वो कहते नहीं नहीं आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था, अब जब ये मुझे पता चला भागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब भागभट्ट के चेले हैं। दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते, तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए। अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए, तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में। गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिलपट्टी कहते हैं, गजक, गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है, तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते हैं कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो